Will you dance with me? तुझे जलन तो नहीं होगी ना? कभी जितना दूर करने की कोशिश कर रही हूं उतना ही करीब आते जा रहे हैं दोनों। जो आपकी हालत है ना, और जिस घर में होने वाला है, उस सब की जिम्मेदार आप हैं मम्मी जी। आपने पैसों और जमीन के लिए संजू और परी की शादी करवा दी और परी को इस घर की बहू बना कर ले आई। और जब संजू ने मुझसे शादी कर ली तो मुझे अपनी बहू मान लिया, लेकिन परी को इस घर से जाने के लिए नहीं कहा आपने। मुझे लगता रहा कि परी मेरी दोस्त है, उसे मेरी जरूरत है, इसलिए सबने मिलकर उसे इस घर में रख लिया। लेकिन नहीं, दरअसल वो संजू की पहली बीवी थी और इस सच को आपने ही नहीं सबने मिलकर मुझसे छुपाया है। परी को तो सब पहले से पसंद करते थे ना, लेकिन आप तो मेरे साथ थी पर आपने फिर भी कभी मेरा साथ नहीं दिया। अरे आपके बेटे के साथ साथ फेरे लेकर आई थी मैं, शादी की थी उसके साथ, ऐसे नहीं आ गई थी इस घर में। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत जब आपकी थी तब आप परी के सास बन गई। अगर आप चाहती ना मम्मी जी तो आप मेरा साथ दे सकती थी परी को छत से गिराने में, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं की। अगर कर देती तो थोड़े बहुत पाप धुल जाते आपके, लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं की। और सिर्फ आपकी वजह से परी और संजू एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। जी, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? एक सवाल का जवाब। कैसा सवाल? परी प्लीज तुम बुरा मत मानना,
पता नहीं मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि नहीं। अरे आप इतना क्यों सोच रही है, पूछिए आपको जो पूछना है। देख परी, अगर तू सच बोल सकती है तो बोलना, नहीं तो मैं तुम्हारी चुप्पी को ही जवाब समझ लूंगी। देखना सच बोलना लेकिन, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे पता है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो मुझसे झूठ बोलोगी या मुझसे कुछ छुपाओगी। टीशी क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है, बताइए ना मुझे। नीति कुछ तो अजीब है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर नीति के बारे में कुछ भी जानना चाहती है तो आप पूछ सकती है, मैं आपको बता दूंगी। परी कुछ तो गड़बड़ है। नहीं आंटी जी ऐसा कुछ है ही नहीं, और वैसे भी मेहरा सर और उनकी फैमिली को सब कुछ पता है हमारे बारे में। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई खास बात है जो आप जानना चाहती है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। नीति का गुस्सा, उसको कोई एंगर इश्यूज है क्या, मतलब उसका कोई पास्ट है जो हमें नहीं पता। मॉम मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आओ आपको कुछ दिखाना है। हाँ शैली मैं आती हूँ, दो मिनट है, बात करो। नहीं नहीं कोई दो मिनट नहीं, आप आओ जल्दी। शैली दो मिनट नहीं नहीं, आप चलो मेरे साथ, आप चलो तो सही। छूना भी मत। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए, मैं साफ कर देता हूं। पता नहीं ये अचानक से कैसे गिर गई नीचे, शायद हवा बहुत ही तेज चल रही है। हो सकता है। क्यों होया? ये फोटो फ्रेम कैसे टूट गया? शायद हवा बहुत तेज चल रही थी इसलिए नीचे गिर गई। निधि पुत्र मेहंदी का टाइम हो गया है ना, चल तू भी आ जा पुत्र। शैली मैंने बोला ना चलो तो सही। शैली मॉम चलो तो सही। शैली ये क्या तरीका है, इतनी फोर्सफुली बात करेगा तू मुझसे? अरे आपने तो फोर्स किया था बात करने के लिए, तो करो बात। ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? सेम यार मॉम, ये कौन सा तरीका है, माँ होने के बावजूद भी आप अपने बेटे की कोई फीलिंग्स की कदर नहीं कर रही है, उसकी फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है। बेटा हूँ ना मैं आपका या नहीं, जवाब दो, बेटा नहीं हूँ मैं आपका, अडॉप्टेड हूँ। शैली बोल क्या बोल रहा है। जस्ट टेल मी आप नीति के अगेंस्ट क्यों, आप बार बार नीति की कमियां खोदने की कोशिश क्यों कर रहे हो, यू नो परी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप उससे नीति के बारे में सवाल पूछ रहे हो। मॉम अपने ये सवाल परी से मत पूछो। शैली अगर मुझे नीति के बारे में पूछना है तो परी से बेटर और कौन हो सकता है, आई फील कम्फर्टेबल। मॉम अगर आप चुप नहीं रहे तो परी को सारा सच पता चल जाएगा, और आप जानते नहीं हो परी बहुत चलाक लड़की है। लेकिन नीति के अलावा मैंने कोई बात ही नहीं की उससे। मॉम अगर परी को जरा सा भी डाउट हुआ ना तो वो मेरा पास खंगालने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर उसको कुछ पता चल गया तो मुझे जो चाहिए वो मुझे हासिल करने देगी। तू वापस गलत चीज में पड़ रहा है। और अगर नीति को मेरे सच के बारे में पता चल गया तो आपको लगता है वो मुझसे शादी करेगी? फिर बड़ी मुश्किल से हाँ बोला उसने मुझे। प्लीज चीजों को बिगाड़ो मत प्लीज। और कैसी है? क्या कैसी है? तुम्हारी जलन कैसी है?
वो छोड़ भी दो उन बातों को आप। चलो अभी के लिए छोड़ देता हूँ, बट मजा बढ़ा रहा है भाई मुझे। एक मिनट नीति, यहाँ आके बैठ जा। शैली तुम भी बैठ जाओ। भरी, ये वाला डिजाइन तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। परी, पहले ना तू मेहंदी लगवा ले, मैं शारदा आंटी के साथ बाद में लगवा लूंगी, क्योंकि भाई अगर हम सब मेहंदी लगा के बैठ गए तो काम कौन करेगा? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन पम्मी, मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी कि तेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी? बाजवा साहब, उम्र हो गई आपकी। ये आप क्या बात कर रहे हैं? अगर भाई साहब बुड्ढे हो गए तो आप कौन से 25 साल के जवान हैं? आपकी भी तो उम्र हो गई है ना। चलो हम लोग मेहंदी लगवा लेते हैं। हाँ पम्मी बहन जी, आप सबसे पहले लगवा लो। अरे ना ना, फिर काम कौन करेगा? तुम सब औरतें पहले मेहंदी लगवा लो, काम ये आदमी लोग करेंगे। ओए, तुसी हमारी साइड हो या फिर इनके? आजकल औरतों का जमाना है, इसलिए मैं औरतों की साइड में हूँ, तुम लोगों की साइड में नहीं। अरे एक मिनट, उस मेहंदी से परी को या हम में से किसी को भी मेहंदी मत लगाना। ये तो माता रानी के आशीर्वाद वाला कौन है, ये सिर्फ दुल्हन को ही लगाई जाती है ताकि नीति और शैली का रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहे। हमें तो इस कोन से लगाना। पागल हो गई है दाई जी, 7 जन्म वाली मेहंदी। अगर हुई भी तो ऐसी बनना है मेरे हाथ में तो, ऐसे शैली हो या संजू, है तो एस ही ना। सबको लगेगा कि एस का मतलब शैली है, बट असली में एस का मतलब होगा संजू। बताइए कहाँ लिखो आपके होने वाले हस्बैंड का नाम? एक मिनट, नीति के हाथ पर ना इसके होने वाले पति शैली के नाम का सबसे पहला अक्षर एस लिखना। संजू का भी एस होगा और शैली का भी। एक मिनट रुको, हम आज ना कुछ अलग करते हैं। अलग क्या ताई जी? अलग से मेरा मतलब है कि हर बारी हम पति के नाम का पहला अक्षर ही लिखते हैं ना, लेकिन इस बारी हम पति का पूरा नाम लिखवाएंगे और ये नाम ना पति खुद अपने हाथों से पत्नी के हाथ में लिखेगा। क्यों? बढ़िया। अरे वाह, व्हाट एन आईडिया ताई जी। तो चलिए चलिए, सारे जेंट्स लोग रेडी हो जाइए। अब क्या गलती कर दी हमने? कोई नहीं करी, बस एक छोटा सा काम करना है। आप सब लोगों को ना ये मेहंदी का कोन लेना है और अपनी अपनी पत्नियों के हाथों में ना अपना नाम लिखना है। सिंपल। ब्रिलियंट आइडिया। लो, कोन दो हमें। चलो जी, करते हैं। अगर मेरे हाथ में संजू का नाम नहीं होगा तो परी के हाथ में भी नहीं होगा। अचानक से चक्कर कैसे आ गए?
नहीं परी, ये गलती से हो गया। क्या गलती हो गई? हाँ बल्कि मुझे पता है कि तूने पम्मी बहन जी, अब काम डाउन, शांत हो जाओ। देखो अगर परी की मेहंदी खराब हुई है तो नीति की मेहंदी भी तो खराब हुई है ना। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू किस बात का बेटा? माना कि मेहंदी खराब हो गई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी दोस्त को इतनी अच्छी सास मिलेगी जो हर मुसीबत में उसके साथ खड़ी होगी। थैंक यू। तू रो क्यों रही है? रो ना तो क्या करूं परी, देखना यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक मुझे छोड़ के। शारदा आंटी इतनी अच्छी सास है, आंटी जी तुझे बेटी की तरह मानती है, और तू भी कितनी अच्छी है। और तूने भी मुझे माफ करके ये साबित कर दिया कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। पर मैं नीति प्लीज अब बस कर, मेहंदी तुम दोनों की खराब हुई है तो ये सोच कि उसे सही कैसे करना है। आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, बस नाम ही लिखा था और वो थोड़ा सा फैल गया। उत्तर इस मेहंदी से लिखा हुआ नाम ही तो खास होता है। जानती हूँ ताई जी, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते ना। अरे पम्मी छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही है? मेहंदी तो है, दोनों लड़कियाँ धो लेंगी हाथ, दोबारा से लिख लेंगी नाम, क्या फर्क पड़ता है? जाओ धो लो। चंगी तरह जानती हूँ नीति ने ऐसा कुछ जानबूझकर किया है ताकि परी के हाथों से संजू का नाम मिट जाए, लेकिन वो जानती नहीं है मेहंदी का रंग तो मिट सकता है लेकिन परी के दिल से और उसकी किस्मत से वो संजू का नाम कभी नहीं मिटा सकती। ये ला भाई एक गिलास मुझे भी दे दे। मुझे भी बहुत थकान हो रही है। इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? शारदा जी क्या बात है, कुछ परेशान सी नजर आ रही है। नहीं बेबे। नहीं नहीं कोई बात तो है, क्या हुआ बोलो। बेबे किसी से कुछ भी पूछूंगी ना तो उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। मैं गलत मतलब नहीं निकालूंगी, आप बेझिझक बोलो जो भी मन में शंका है बोलो। आपने तो देखा ना नीति की मेहंदी आज कैसे खराब हो गई, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। नीति मेरे होने वाली बहू है, कहीं ऐसा कुछ संकेत तो नहीं शादी से पहले या शादी के बाद, मतलब शैली और नीति के बीच में कोई प्रॉब्लम? आपको एक बात बताऊं, जब से नीति हमारे घर में आई है ना तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अरे बड़ी संस्कारी लड़की है और बड़ी किस्मत वाली है, और सबसे बड़ी बात है ये हिम्मत वाली भी है। जब जब परी पर कोई भी मुसीबत आई है ना उसने डट कर सामना किया है। हाँ थोड़ी मनमौजी टाइप की है तो सारे लोग समझते हैं कि नहीं बस ये तो अपनी बात मनाने वाली है, पर ऐसा है नहीं, दिल की बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता मैं नीति को लेके बहुत टेंशन में थी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था, लेकिन अब तो यकीन हो गया है कि नीति ही मेरे बेटे के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने जरा दो मिनट होकर आती। क्या हो इतना नर्वस क्यों फील कर रही हो? कुछ नहीं वो जाना है मुझे। कुछ तो है, कहाँ जा रहे हो? राजीव मुझे जाने दो ना, क्या कर रही हो, मेरा रास्ता मत रोको। एक सवाल का जवाब दो फिर चली जाना। क्या? जब सब लोग बाहर मेहंदी की बात कर रहे थे तो तुम इतना शर्मा क्यों रही थी? इनफैक्ट जब चंद्रिका भाभी ने तुमसे पूछा कि मेहंदी के गहरे होने का मतलब क्या होता है तब तो बाय गॉड तुम्हारा चेहरा देखने वाला था एकदम लाल। क्या हुआ?